मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ चलाएंगे। अजान के लाउडस्पीकर में होने पर हो रहा है भारी हंगामा। से जाति खेल खेला जा रहा है, जातिवाद के नाम पर वोट मांगने का, जाति रंग देकर सत्ता की गद्दी में बैठने का प्रयास किया जा रहा है। लाउडस्पीकर में अजान के होने पर हो रहा है हंगामा। जी हां दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में अजान के लाउडस्पीकर में होने पर हो रहा है भारी हंगामा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आप लोगों को पिछली कुछ बातें याद दिला दूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज से कुछ ही महीना पहले कर्नाटका में हिजाब बैन को लेकर एक घमासान मचा हुआ था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट को जाता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका फैसला लिया जाता है। उसके कुछ ही हफ्तों बाद हलाल मीट और झटका मीट पर बहस छिड़ती है, जो कि अब तक जारी है। उसके बाद दिल्ली में मेयर द्वारा अचानक से नवरात्रि के 9 दिनों तक बिना किसी नोटिस के मीट की दुकानों को बंद करवा दिया जाता है। ये सभी मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि मुंबई महाराष्ट्र में एक नया मामला पैदा हुआ, जो कि लाउडस्पीकर में अजान के होने का है। दरअसल बात की शुरुआत 2 अप्रैल को हुई, जब महाराष्ट्र में एमएनएस पार्टी के चीफ राज ठाकरे अपनी एक रैली में ये कहते हैं कि मस्जिदों में अजान के लाउडस्पीकर में होने को बंद किया जाए, वरना वो जगह जगह मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ चलाएंगे। और होना क्या था दोस्तों, उसके ठीक दूसरे दिन महाराष्ट्र के जगह जगह मस्जिदों के बाहर में लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ चलाया जाता है, जिसके बाद पुलिस तमाम लाउडस्पीकर को जब्त कर लेती है। और ये मामला है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्यों इस तरह के मुद्दे को भड़काया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आज से कुछ ही महीना बाद मुंबई में बीएमसी चुनाव होने हैं, यानी म्युनिसिपैलिटी चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से आने वाले चुनाव को जाति रंग देकर सत्ता की गद्दी में बैठने का प्रयास किया जा रहा है, या यूँ कहें कि वोटों की गद्दी में बैठने का प्रयास किया जा रहा है। शिवसेना की पार्टी से अलग होकर राज ठाकरे ने 2005 में एमएनएस नाम की अपनी एक पार्टी बनाई, और ये पार्टी आज के ज़माने में पूरे महाराष्ट्र में कहीं दिख नहीं रही, जिसकी वजह से जाति खेल खेला जा रहा है, जातिवाद के नाम पर वोट मांगने का या लेने का काम किया जा रहा है। 2019 में भी विधानसभा चुनाव में 288 में से सिर्फ एक सीटें ही राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी को मिली। पहले समाज को बांटकर वोट लेने का काम सिर्फ एक ही पार्टी किया करती थी, मगर उसके बाद राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी और समाजवादी पार्टी भी इस रेस में कूद पड़ी है, ताकि समाज को 2 हिस्सों में बांटकर वोटरों को आकर्षित कर अपनी ओर खींचा जा सके। शुक्रिया, आप देख रहे थे द न्यूज़ शिफ्ट।